हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आप लोग, आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने लाइफ में बहुत खुश होंगे। हम तो एक्सरसाइज करने लगे हैं। दोस्तों, मुझे बहुत बड़ी बीमारी हो गई थी, तो डॉक्टर ने मेरा वेट बहुत बढ़ गया था। करीब 78-80 होने वाला ही था। तो मुझे, मेरा अभी वेट, डॉक्टर ने बोला है मुझे वेट कमाने के लिए, नहीं तो मेरा चारों तरफ से मेरा बीमारी के घेर लगने वाली थी। चारों तरफ सारा बीमारी मुझे आ गया था। तो अभी मैंने 11 ढाई महीने में, 3 महीना हो गया है, तो 2.5 महीने में मुझे 11 किलो वेट मेरा कम गया है। मेरा एक्सरसाइज भी करती हूँ, तो पानी भी पीती हूँ। पानी भी बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, लाइफ में पानी पीना चाहिए, बहुत फ़ायदा होता है पानी पीने से। मुझे पहले तो इतना, मैं योगा करती थी, मेरा बीमार नहीं हो रहा था। तो 2 साल से मेरा बहुत बहुत ही मुझे टेंशन हो गया था, तो मुझे वेट बढ़ गया था मेरा। टेंशन से भी बहुत बीमारी आती है, वेट भी बढ़ता है दोस्तों। टेंशन नहीं करना चाहिए। हर सबके ज़िंदगी में टेंशन है, लेकिन टेंशन नहीं करना चाहिए। हम ही बोलते हैं, हमने 2 महीने में जितना दोस्तों, टेंशन क्या किया हो है ना, गया मेरे हमने से? सब क्यों कुछ योग भोगा नहीं हो है। रहा लाइफ है? में बीमारी नहीं है तो सबके ख्याल रखना पड़ता है हम लोगों को। हाउसवाइफ है तो हस्बैंड की ख्याल रखना पड़ता है, बच्चों को ख्याल रखना पड़ता है। तो हम ही बीमारी होंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा? इसीलिए हमको थोड़ा सा टाइम निकाल कर सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए, पानी भी पीना चाहिए, अपना आपका ख्याल रखना चाहिए। अपने को सुबह थोड़ा 1 घंटा टाइम जरूर देना चाहिए, ना जितना भी, जो भी, शाम को हो, सुबह हो, चाहिए बच्चों को स्कूल भेज के हो, 10 बजे के बाद थोड़ा सा खाली पेट रह के पानी पी सकते हैं। खाली पेट होना चाहिए एक्सरसाइज के लिए, तो तभी काम बनता है। तो हमने भोगा है दोस्तों। मेरी ज़िंदगी में मेरे बहुत टेंशन भी हुआ है, मुझे बीमारी भी हुआ है, तो मेरा हंसते खेलता परिवार में बहुत बड़ा टेंशन आ गया था। तो मुझे वही टेंशन से मेरा बीमार हो गया था। तो दोस्तों, आप लोग को इसलिए बोल रही हूँ, मेरे जर्नी, मेरे वेट लॉस की जर्नी आप लोगों को दिखाऊंगी, बोलूंगी मेरे क्या, मेरे ज़िंदगी में क्या क्या हुआ है। तो इसीलिए बोलती हूँ, एक्सरसाइज कीजिए, पानी पीजिए। और एक दोस्तों, और एक फॉर्मूला है, वो 32 बार वाला फॉर्मूला, वो 32 बार से हम लोगों को ज़िंदगी में, मेरे ज़िंदगी में खास करके, बहुतों को ज़िंदगी में वो अच्छा हुआ है। वेट लॉस में मदद मिली है। कोई एक्सरसाइज भी नहीं होता है, डाइट से भी नहीं होता है, कुछ भी करके नहीं होता है दोस्तों। वो 32 बार से सब सब कुछ खा कर भी हम लोग वेट कमा सकते हैं। थोड़ा सा कम कम उसमें खाना चाहिए, हम लोग जितना भी पहले खाते हैं उससे कम मात्रा में खाना चाहिए, सब कुछ खाना चाहिए। वो 32 बार से ना ऐसा लगता है कि एनर्जी आ गया शरीर में, इतना कुछ वो ऐसा फीलिंग होता है। तो आप लोग खुद ही अभी जानिए तो क्या है वो 32 बार, हम बताएंगे बात। हर रोज़ वीडियो डालेंगे तो एक एक वीडियो में बताएंगे आप लोगों को। तो आप लोग आप हम तो तो 32 बार करने से हम लोगों का बहुत फायदा हुआ, मेरे फायदा हुआ है, मैंने वेट लॉस कर पाई हूँ 11 kg। नहीं तो पहले हम करते थे योगा, एक्सरसाइज, वॉक भी किया था, तो नहीं हो रहा था। तो देखिए दोस्तों, ये 32 बार आप लोगों को बताऊंगी कैसा करना है, क्या करना है। तो आप लोग मेरे वीडियो देखते रहिए, मेरे चैनल में आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, तो हर रोज़ वीडियो देखिए। जो हम लोग सोचते हैं ना, तो बहुत ज़िंदगी ए संसार में बहुत आसान है, लेकिन दोस्तों कुछ भी आसान नहीं है। बहुत टेंशन भरा ज़िंदगी है, खाने में भी मिलावट, सब कुछ मिलावट, भेजाल, क्या करूं। अभी उसी में भी हम लोगों को चलना पड़ता है। हम लोग
रहना पड़ता है। मुझे देखिए, मैं असम के रहने वाली हूँ। असम में भी वैसे ही है जैसा मैंने हर उसमें होता है, सब मिलावट मिलावट मिलावट। क्या करूँ, मेरे बीमारी के वजह भी मिलावट है दोस्तों। ये पैर साइकिलिंग किया है, साइकिलिंग से ना नीचे वाला जो पैर होता है उसमें बहुत फायदा होता है, जंग में फायदा होता है, तल तल नीचे वाला पेट में फायदा होता है, ऊपर में पेट में बेली पेट कमता है। बेली पेट का वो ऐसा करने से ना कमर कमर में अकड़ जाता है ना, जो जकड़न से आ जाती है वो अच्छा होता है। हाउसवाइफ वाइफ को कितना झेलना पड़ता है, कितना भाग दौड़ करना पड़ता है, कितना हम लोग करते हैं, कितना वो दोनों दे पैर दूंगी देखिए कितना रिसेप्शन खींचा सर, हुआ आता है उसमें, क्या बोलते रिसेप्शन हैं में दे दूंगी पेट में, तो देखिए सॉरी, दोनों तरफ पैर में मेरा भी खींचा हुआ बोलने आता है, का हाथ में खींचा हुआ आता है, बोलने पेट में में एक 10 सेकंड गड़बड़ियों हो रखना गई पड़ता है, है ऐसे करके, वो बेली उतना नहीं पेट आता है गायब बोलने हो के लिए जाता है। वीडियो। पहले पहले हर रोज वीडियो करना ज़्यादा, चाहिए, मैंने एक दिन वीडियो करके नहीं फिर बनाई, दूसरा दिन हिंदी मत मुझे नहीं करना, आता है, दूसरा वो दिन तो कर, तीसरा दिन मत करना, ऐसा इसीलिए करना नहीं कोशिश कर चाहिए, रही हूँ, फिर सीख नहीं रही होता हूँ है। एक दिन वीडियो बनाने करके के लिए। कम से कम 3 महीना तो हर रोज करना चाहिए। तो कभी कभी नहीं होने से कोई बात नहीं, कभी कभी काम आ जाता है, कभी कहीं जाना पड़ता है तो कोई बात नहीं, नहीं तो हर रोज करना चाहिए एक्सरसाइज। सुबह थोड़ा सा जल्दी उठिए, 6 बजे तक उठने से भी कोई ऑफिस जाता है, कोई काम में जाता है, हाउस वाइफ भी, वो सबको शाम थोड़ा सा शाम में भी वॉक भी अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है वॉक। क्या करूँ मुझे, मैं जा ए देखिए पैर से उठाने के लिए कोशिश किया है, नहीं हो रहा है दोस्तों। कैसा करके उठा रही हूँ, हो जाएगा आस्ते आस्ते करके हो जाएगा। ये पीछे वाला एक्सरसाइज है, बैक वाला, बैक बैक के लिए बहुत अच्छा है। तो दोस्तों अभी तो हम लोग जब जवानी होता है तो वेट भी अच्छा लगता है, वेट को भी कोई वेट हुआ तो क्या हुआ, मुझे तो कोई वेट करने वेट जैसे नहीं लग रहा, ऐसे सोचते। जब भी थोड़ा सा 40 40 हो जाएगा ना, 40 वर्ष हो जाएगा तभी पता चलेगा, उसके बाद बीमार शुरू हो जाएगा ना तभी पता। पहले तो घुटने के दर्द होता है, शरीर उठने बैठने के लिए प्रॉब्लम होता है, फिर उसमें से बीमारी एक एक करके पैदा होता है। क्या करूं, ऐसा करके 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 बाद में जाकर क्या होता है कि सब कुछ ऐसा ला ख़त्म होने लगता है, जिंदगी लाइफ ख़त्म होने लगता है। कुछ भी पहनो अच्छा नहीं लगता है, कुछ भी खाओ अच्छा नहीं लगता है, पेट में जाके सड़ जाता है, हजम मेटाबॉलिज्म थोड़ा, मेरा इंग्लिश कमजोर है, माइंड मत कीजिए, फिर भी कोशिश कर रही हूँ बोलने के लिए। आजकल समझ में भी नहीं आता है ना हिंदी, सब कुछ इंग्लिश बोलते हैं, तो थोड़ा बोलने के लिए ट्राई कर रही हूँ। तो ये बैक के लिए देखिए एक्सरसाइज, ये बैक के लिए है, बैक में बैक के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है बैक में। ये फन के लिए, ये थायराइड के लिए भी अच्छा होता है, गले में ऊपर से ऐसा होता है ना तो थायराइड के लिए भी अच्छा होता है। देखिए आज तो थोड़ा ज़्यादा दिखाई हूँ एक्सरसाइज, नहीं तो थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज दिखा देती, क्योंकि बड़ा बहुत वीडियो लंबा हो जाता है तो कोई नहीं देखता है, तो आज दिखा दिया है। तो अभी थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा करके दिखाई हूँ, फर्स्ट टाइम है ना, मेरा फर्स्ट दिन है एक्सरसाइज का वीडियो, तो आप लोग ज़रूर दिखिएगा। कोई मेरा देख के भी थोड़ा सा वेट कम करेगा ना तो मुझे अच्छा लगेगा, तो मुझे ऐसा दूसरे के लिए बहुत करना सिखाना अच्छा लगता है मुझे। तो कोई घर में तो कितना बोलती हूँ, कोई ये देखिए ये पेट के बल दोनों तरफ के उठाना होता है, मेरा तो पैर ही बे थोड़ा सा डाउन हो जाता है, सीधा ही नहीं होता है, सीधा करना चाहिए, तो पेट के लिए भी वो खींचा हुआ होता है, कमर भी बहुत अच्छा लगता है, बैक साइड भी बहुत अच्छा लगता है इसमें। और देखिए पेट के बल, पेट में भी बहुत बहुत ज़्यादा कष्ट होता है इसमें,
दोनों तरफ उठ ही नहीं उठता है थोड़ा। नाव की से क्या योगा है, नाव का तरफ होता है वो देखिए। तो दोस्तों इसीलिए बोलती हूँ, तो आप लोग नहीं हो पा रहा था ये एक्सरसाइज मुझसे, फिर भी मैंने ट्राई किया है। देखिए ये करने से ना बैक साइड फ्रंट साइड सब चारों तरफ अच्छा लगता है। तो अभी तो हो गया है मेरा एक्सरसाइज, तो अभी थोड़ा हाथ का एक्सरसाइज बैठ के करूँगी, योगा करूँगी, कपालभाति करूँगी थोड़ा सा। तो आप लोगों का थोड़ा वीडियो स्पीड करना तो पड़ेगा शायद। ये हाथ के लिए है, ये हाथ में थोड़ा सा साइड के लिए और पेट पे भी अच्छा होता है। ये इधर का उधर उधर इधर का हाथ से साइड वाला एक्सरसाइज होता है। हाथ हाथ के लिए अंगली के लिए नहीं होता है ना, हम लोग कितना पकड़ना पड़ता है बाल्टिंग उल्टिंग, फिर कितना हाथ से ही तो होता है ना कितना काम सारा। तो ये घुराना पड़ता है दोनों तरफ साइड साइड के घुराना पड़ता है मुट्ठी मार के, जैसे हम लोग का जॉइन होता है ना, तो हाथ का अंगली का सामने एक जॉइन होता है ना, वो जॉइन के लिए बहुत अच्छा होता है। सब तो काम हाथ से ही करते हैं ना हम लोग, तो हाथ ये एक्सरसाइज कंधों के लिए होता है, कंधों दर्द करता है ना झुक झुक के, काम कितने काम हम लोग भी करते हैं झुक के, तो लड़के लोग भी पढ़ते हैं, लड़की लोग भी पढ़ते हैं झुक के पढ़ना पड़ता है, सब सिर झुका के तो काम करते हैं ना। ये अपना कंधों के होता है ना, कंधों में सोने से भी थोड़ा वो होने से अच्छा नहीं होता। और ये एक्सरसाइज ना साइड का फैट कम करता है, साइड में दोनों साइड में हम लोग ब्लाउज पहनते हैं तो लटकते हैं ना थोड़ा, वो अच्छा नहीं लगता है। मेरा तो बहुत था, अभी तो बहुत कम गया है मेरा साइड का, अभी मेरा इंच भी बहुत कम हो गया है, इतना कम हो गया है ना इंच, कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी बहुत हल्का महसूस हो रहा है मुझे, कितना हल्का महसूस हो रहा है, मैं ही जानती हूँ कितना हल्का महसूस हो रहा है मुझे। तो आप लोग भी कीजिए, आप लोग जो मोटे हैं तो उनके लिए बेस्ट है, बहुत अच्छा है। हम भी 32 बार कीजिए डाइट के लिए बहुत अच्छा है, थोड़ा सा डाइट का अपना डाइट फॉलो कीजिए, ग्रीन टी पीजिए, कैसा पहना है हम बोलेंगे, तो हर रोज़ कपालभाति ना हम आधा घंटा करते हैं, सुबह शाम आधा घंटा करते हैं, क्योंकि शाम को सुबह करने से शाम को भी करने का मन करता है। तो ये पेट के लिए होता है ना, सब हम लोग जितना भी खाते हैं तो पेट में जाता है, पेट में जाकर सड़ता है, तो पेट से ही एनर्जी मिलता है, पेट से ही चर्बी बनता है, ये अनुलोम विलोम। तो इसमें माइंड के लिए प्रेशर, मेरा ना हाई प्रेशर भी बीपी भी हाई होना लग गया था मेरा, मानो तो सब चारों तरफ से बीमारी आ गया था। भगवान का शुक्र है कि मेरा वो सबिकर सर का वो वीडियो मुझे मिला 32 बार का, वो भी ट्राई किया, ये भी ट्राई किया, दोनों मिल गया है ना मुझे, तो क्या बताऊँ आप लोगों को, सोने पे सुहागा हो गया, मेरा वेट भी कम गया, मेरा बीमारी भी थोड़ा थोड़ा, घुटनों का इतना दर्द हो गया था ना मुझे कि मैं ना सीढ़ी से दो सीढ़ी तीन सीढ़ी चढ़ नहीं पाती थी, इतना हो गया था, थोड़ा सा स्टेप भी चढ़ नहीं सकती थी मुझे, इतना मुझे प्रॉब्लम हो गया था कि मैं ना अभी कितना हल्का महसूस कर रही हूँ ना, मैं ही बता पा रही हूँ आप लोगों को, इतना खुश लग रही हूँ ना, मैं क्या बताऊँ, टेंशन है फिर भी अपने शरीर के लिए खुश लग रही हूँ, हल्का लग रहा है। मेरा एज भी बहुत हो गया है अभी, तो अभी एज में मेरा बीमारी ठीक होना मतलब कि मुझे अब बताओ कितना अच्छा लगता है। मेरा 50-55 होने वाला है, 53 हो गया है मेरा, अभी दिसंबर में 54 लग जाएगा मेरा उम्र, फिर भी मैं बहुत, मेरा बहुत अच्छा लगे,
अनुलोम विलोम से वो माइंड का ना बहुत ए ओम ओम जरूर कीजिए। ओम करने से क्या होता है, 20 बार 25 बार ओम करने से ना बीपी का प्रॉब्लम, वो माइंड का वो सिर दर्द करना सब सब गायब होता है। तो हम इतना अच्छा लोगों है ना के ये ओम का ओम, वो कम से कम 10 बार 15 बार 20 बार जितना सको जितना हो सके आप लोग कीजिए। हम बोलते हैं ना गाइस इतना इतना अच्छा है ना क्या बताऊं, आप लोगों का माइंड हल्का, जितना टेंशन होना जितना भाग दौड़ जितना टेंशन होना हल्का हो जाता है। शाम को ही कीजिए सुबह कीजिए कोई भी टाइम निकालिए खाली पेट में वो कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा है बहुत अच्छा लगता है। तो ये हम ऊंचाई कर रहे हैं, लंबा लंबा सांस जो सांस हम लोग को जीवन देता है, थोड़ा इसे सांस हम लोग के अंदर है तो रुक जाता है, वही साथ लंबा लंबा करके लेकर एक बार छोड़ना है, एक बार लेना है, नाक से ऊपर तानना है एक बार छोड़ना है, ऊपर तानना है एक बार छोड़ना है। ऐसा करने से हम लोग का जो छाती में जितना भी प्रॉब्लम हो ना वो दूर हो जाता है। छाती मेरा हार्ट का प्रॉब्लम भी जिसका होने लगा है वो भी अच्छा होता है, माइंड भी अच्छा होता है। इसमें माइंड का भी जो ऑक्सीजन का प्रॉब्लम भी दूर होता है, ऑक्सीजन भी भरपूर ऑक्सीजन भी होता है। तो देखिए हम हाथ से रगड़ रहे, ऐसा करने से ना चेहरा के ओ चेहरा भी अच्छा होता है, स्किन भी अच्छा होता है। मेरा स्किन भी पूरा काला दाग होने लगा था गाइस क्या बताऊँ।